टाइगर और शेर पाल नहीं सकते ना इंडिया में, तो यही पाल लेते। अच्छा, नहीं तो आप वो भी कर सकते थे। बिल्कुल। आप क्या एडवाइस करोगे अगर किसी ने रखना चाहते तो? बड़ा घर होना जरूरी है। ये जो कैरियर बीट्स होती है वो तो एक कह लो कि जब कोई बंदा टेरियर का नाम लेता है तो एक अलग तरह की छवि आपके दिमाग में बनती है। ये टेरियर ब्रीड में कैसे आ गया? सर मैं बता दूं, सर बेसिकली जब हेलो, क्या नाम है सर इसका? सनो स्नो। हेलो स्नो, बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर, बहुत दिलदार बंदे हैं ये। अगर 7 लाख रुपए का ये डॉग आपको दिखा रहे हैं तो उसके लिए ये थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये है वरुण सर और ये है जयपुर गाय। गर्मी बहुत लग रही है, गर्मियाँ बहुत है ना, और अपना लाइफ का पूरा सिस्टम तैयार होकर और साथ में तरन सर। यस तो गाइस, ओ माय गॉड गाइस, आज हम हैं डॉग शो जयपुर। It's really good. Don't try to save me. I feel alive. My world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. Yes, yes. I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me less. Yes. Guys, मिलाते हैं आपको वन ऑफ द बिगेस्ट डॉग इन दिस डॉग शो और ये हम के ओनर अली सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर कहाँ से? सर मैं कोटा से आया हूँ, कोटा राजस्थान। थोड़ा बताइए इस ब्रीड के बारे, पहले इसका नाम बताइए, क्या नाम है? इसका नाम है नार्निया है। नार्निया। और ये ग्रेट डेन है। यस। और ये 9 मंथ्स की अभी। ओके जी। सर थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में बताइए। बिहेवियर बहुत इनका काम रहता है, बिल्कुल शांत से रहते हैं। ओके। ऐसा कुछ नहीं, अग्रेशन वगैरह बिल्कुल नहीं होता इनमें। काफी फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओनर किसे ट्रेंड करता है। बाकी वैसे बहुत अच्छा फ्रेंडली नेचर होता है इनका। यू मीन टू से अगर बच्चों वाला घर है? हाँ, कोई इशू नहीं है। हाउ अबाउट स्ट्रेंजर? स्ट्रेंजर्स को लेके थोड़ा सा डॉग प्रोटेक्टिव नेचर रखता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कमांड देते हो तो ठीक है। बाकी अगर इतनी जायंट ब्रीड है तो सप्लीमेंट या फीड की कितनी जरूरत पड़ती है? सप्लीमेंट फीड तो मतलब इनकी ग्रोइंग एज होती है तो इनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि काफी जल्दी ग्रोथ करते हैं। अच्छा। और उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह की भी काफी जरूरत पड़ती है। आप क्या एडवाइस करोगे अगर किसी ने रखना चाहता है तो? बड़ा घर होना जरूरी है? थोड़ा इनको मतलब अगर ज्यादा बड़ा घर भी नहीं भी है ना तो आप इनको दोनों टाइम वॉक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करवा दीजिए तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, आराम से सो जाएगा। बाकी डाइट और थोड़ा सा वॉक वगैरह जरूरी होता है, क्योंकि बड़ी ब्रीड है, इनको एनर्जी को रिलीज करना जरूरी है। ओके। मैंने कहीं कई बार कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारा आजकल फ्लोर जो होता है मार्बल स्लिपरी होता है, वहाँ पर जायंट ब्रीड को कितनी दिक्कत होती है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में मार्बल वाला फ्लोर है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अच्छे से वर्कआउट करवाइए इनका और सप्लीमेंट कैल्शियम वगैरह अगर आप देते हैं तो ऐसा कुछ इनका पैर वगैरह बैंड नहीं होते, ऐसा कुछ इशू नहीं होता। एक बार नाम बताइए दोबारा। इसका नाम है नार्निया। नार्निया। आप अपने कोई कैनल है आपका जो होम ब्रीडिंग करते हैं? मैं होम ब्रीडिंग करता हूं बस। अपना एक बार एड्रेस या कांटेक्ट नंबर? मेरा एड्रेस है कोटा राजस्थान में, हाउस नंबर 34, विकास नगर नांतर रोड कुनाड़ी कोटा, और मेरा फोन नंबर है 7014048385। गाइस आप कुछ भी अगर ग्रेडन के बारे में इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा और भी कोई सवाल होंगे आपके मन में जो मैं पूछ नहीं पाया तो आप सर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू जी। थैंक यू। इसका नाम भी बता दीजिए एक बार। इसका नाम है स्कार। स्कार। इसकी क्या एज है? 15 मंथ्स। इसकी क्या हाइट है सर? 38 प्लस। और नानिया की? इसकी 32। गाइस हमें कहा कुछ सब्सक्राइबर्स मिले और खासकर ये नन्हे, इन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ये सर को जानते। हाँ जी, आपका नाम? मिनी। आपका नाम? मिनी। और हाउ अबाउट यू? क्रिस्टिन। और आपका? टेरेंस। और आप सर? आप यहीं से लोकल? आप पहले बताओ। हाँ। चंडीगढ़। कहाँ से आए? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। शो देखने आए या वैसे घूमने? नहीं, जयपुर ही रहे।
अच्छा यहाँ पर रहते हो आप, कितने में पढ़ते हो? फिफ्थ में, और आपके भाई एट्थ में। थैंक यू वेरी मच फॉर मीट अस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस ये देखिए सम्मी ऑयल, तो हम आपको मिलाते हैं इनके ऑनर से और थोड़ा रख रखाव के बारे में पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, पहले अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम हनी चौधरी है। हनी चौधरी, चौधरी सर कहाँ से? हम जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान जी। सर पहले ये बताइए, बहुत सारे सवाल हैं इस ब्रीड के ऊपर जी। आप तो जोधपुर से हो, यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना चला जाता है? सर अच्छा खासा टेम्परेचर है। ओके, तो आपने ये ब्रीड रखी है सम्मी ऑयल जी, थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल है इस ब्रीड को इतने हार्ड टेम्परेचर में रखना? सर मेन चीज इसकी ग्रूमिंग है, प्रॉपर ग्रूम रहना चाहिए आपका डॉग। उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्यादा गर्मी में और ज्यादा सर्दी में नहीं रहता। इंडिया में अगर ब्रीड हुआ है आपका डॉग तो इजीली एडेप्ट हो जाता है इंडियन वेदर में। आपने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि ना अगर इनके नाना दादा या सेकंड थर्ड जनरेशन ऑलरेडी इंडिया में ब्रीड होता है तो उसके हिसाब से एडॉप्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग ये बार बार मानते हैं कि भाई जैसे ये तो हस्की से भी ऊपर है ना, अगर हस्की से भी बात कर दी यार इंडिया में रखा अपने क्रुएल्टी कर रहे हो, जे वो फलाना ढिमका कुछ भी नहीं। अगर इंडिया में पैदा हुआ है वो पपी तो एडॉप्ट हो जाएगा इजीली। फॉरेन से इंडिया में लाते हैं तो थोड़ा सेट होने में उसको टाइम लगता है। आपके पास इसके अलावा और भी कोई ब्रीड है? मेरे पास हस्की भी है, अकीता भी है, रिट्रीवर्स है मेरे पास, ग्रेट डेन है, डोबरमैन है। आपका कैनल का नाम या कोई होम ब्रीड? पॉस कैनल्स नाम से है जोधपुर में। एक बार रिपीट अगेन, वन क्या कह रहे हैं? वन मोर टाइम रिपीट प्लीज। मिस्टर पॉस कैनल्स जोधपुर। जोधपुर। अगर आपके पास पपीज अवेलेबल होते हैं इन ब्रीडों? बिल्कुल। तो गाइस इनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, आपको गाइड करेंगे, उनके पास पपीज भी होते हैं। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर पहले बताइए, मैं क्वेश्चन कुछ और बाद में पूछूंगा। 7023140428। और लोकेशन प्रॉपर? जोधपुर में रातानाड़ा एरिया। ओके सर, थोड़ा बताइए कि इस ब्रीड को मान लीजिए कि ग्रूमिंग आ गया, एक तो आपने टॉपिक जी पॉइंट कहा, दूसरा कितना मुश्किल है कि अगर मान लीजिए कि एसी रिक्वायरमेंट है इनके घर में? सर गर्मी में चाहिए होता है, एसी कूलर तो चाहिएगा ही चाहिएगा। मतलब अगर एसी नहीं है रहनी चाहिए, और ज्यादा वार्म वेदर है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है तो कूलर से गाड़ी चल सकती है बिल्कुल इजीली। तो गाइस सुना आपने, आप कितने सालों से इस लाइन में हो? सर मेरे को 5 साल हो गए। गाइस देखो 5 साल का एक्सपीरियंस है, सम्योड लेकर आए हैं यहाँ पर, और मैं कुछ जीता भी है इसमें। आप वो सोना दिखाइए सर अभी। ओके, इसको बेस्ट ऑफ ब्रीड मिला है। बेस्ट ऑफ ब्रीड गाइस अभी मिला है, और अभी गुड लक फॉर द फ्यूचर, क्योंकि अभी शाम तक यहीं पर है जी बिल्कुल। तो और भी ये जरूर कुछ जीतेगा। और जो ये ना मैं स्टॉल दिख रहा हूँ, आप दिखाऊँ गाइस, ये पूरा भरा हुआ है, और सबसे ज्यादा आपको क्राउडेड यहीं पर मिलेगा, इसको देखने के लिए, और बहुत सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। थैंक यू सर। छोटे छोटे डॉग यहाँ पर बिठा रखे हैं। वो कह रहा है मेरे को अंदर ही रहने दो। गाइस हमें ये कुछ सब्सक्राइबर और मिले यहाँ पर। सर अपना नाम बताइए। रविंदर सिंह गुजर। रविंदर, और ये आपके फ्रेंड? विशाल सर। विशाल, यहीं से लोकल? यस लोकल। यहाँ का टेम्परेचर और हमारे यहाँ आज के टेम्परेचर में बहुत फर्क है। हाँ फर्क है। यहाँ हमारे 5 दिनों के धूप नहीं निकली, यहाँ पर सुबह 8 बजे निकल आती है। कैसा रहा शो आपके हिसाब से अभी तक? अच्छा है शो, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप कोई ब्रीडिंग कर रहे हैं? आपके पास कोई डॉग है? मेरे पास गद्दी है। गद्दी है, गद्दी लेकर आए हो यहाँ? नहीं मैं नहीं लेके आया, मैं तो एग्जाम देने आया था तो फिर आ गया इधर। अच्छा अच्छा, वैसे आप हो कहाँ से बेसिकली? बेसिकली यहाँ से जयपुर से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, और गुड लक फॉर द एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वेरी मच। ये देखिए मिलिए डॉन से। गुड बॉय। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर थोड़ा बताइए, आज आपके पीछे वो दो ब्यूटीफुल कौन सी ब्रीड है? ये 8 मंथ ओल्ड सिट्जू है फीमेल। ओके, और ये 12 मंथ ओल्ड यॉर्कशायर टेरियर। इसको थोड़ा आगे कीजिए सर, क्योंकि सिट्जू के बारे में हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। जी जी जी। यॉर्कशायर टेरियर के बारे में थोड़ा बताइए। सर ये यॉर्कशायर टेरियर, सर ये यॉर्कशायर टेरियर जो है ये टेरियर ग्रुप से बिलोंग करता है। सर एक छोटा सा मैं शुरू, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, ये जो टेरियर ब्रीड्स होती है वो तो एक कह लो कि जब कोई बंदा टेरियर का नाम लेता है तो एक अलग तरह की छवि आपके दिमाग में बनती है। जी। ये टेरियर ब्रीड में कैसे आ गया? सर मैं बताता हूँ सर, बेसिकली जब ये ब्रीड किया गया था, बेसिकली ये छोटे जो मैमल्स होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं, रैट्स वगैरह होते हैं, अच्छा उनको
हिट करने के लिए, किसानों जब फार्मर्स जब अपनी करते थे उनको पकड़ने, उनको जब अपना गोदाम में वो रखते थे तो उनको बचाने के लिए कि वो काटे ना उनको, तो ये पकड़ के और उसके लिए। तो अच्छा, तो ये बहादुरी है, ये बहुत बहादुर डॉग है। और ये जैसे कि ये डबल कोट या ट्रिपल कोट है, ये सिंगल कोट डॉग है। अच्छा जी, सिंगल कोट है, सिंपल एक और सिल्की कोट मिलेगा आपको, सिंगल कोट मिलेगा आपको। ये ब्रीड बहुत कम है इंडिया में, बहुत अभी बहुत कम है, अभी बहुत कम है। थोड़ा बताइए इस ब्रीड के और थोड़ा बिहेवियर। सर बिहेवियर इसका बड़ा फ्रेंडली है, लेकिन अगर अपने जो मैंने आपको बताया शिकार के जब मूड में होती है तो पूरा अलर्ट, पूरा गार्ड का हिसाब, अगर घर पे रखते हो तो पूरा अलर्ट रहता है। ये नहीं कि भी आप एकदम ले डाउन या कुछ ऐसे, 24 आवर एक्टिव, मतलब आपने बुलाया नहीं, बाहर डोर बेल बजी नहीं और ये हाजिर, डोर पे हाजिर, हाँ जी कौन है, तो उस तरह से ये, ऐसा मत सोचिए। थोड़ा सा कह सकते हो कि लाइक ए पमेरियन टाइप, पमेरियन नहीं, बिल्कुल अलर्ट, ऐसा नहीं कि ये मतलब टॉय में नहीं आता, ये तभी ये टॉय में नहीं आता कि भी वो आपने गोदी में रख के पैंपर कर लिया, नहीं, नहीं मैं रेडी हूँ कुछ भी करने के लिए, उस तरह से। थोड़ा सा ब्रीड का प्राइस के बारे में, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है? सर देखिए, अब स्टार्टिंग से ज्यादा डिपेंड ऑन क्वालिटी है और पेडिग्री पे है, तो स्टार्टिंग अराउंड 40-45,000 शुरू होता है, अभी शुरू होता है। सो सिंपल है गाइस, जिनके घर में चूहे परेशान कर रहे हैं ना, तो ये आपको उसका हमने अलाज दे दिया, रामबाण अलाज दे दिया। और थोड़ा बताइए इसको रख रखाव में कितना? रख रखाव सर बहुत इजी है, ये 2.5 किलो का डॉग, 2.5 से 3 kg का डॉग होता है। अच्छा जी। 9 से 10 इंच का सर मेल होता है, 8 से 9 इंच की फीमेल होती है, और इजी टू कीप है, कोई ज्यादा वो नहीं है कि भी जल्दी से बीमार हो जाए, नहीं, बड़ा इजी है, हार्ड ब्रीड है, मतलब कोई ऐसा। इसका जो मैं बाल जितने लंबे देख रहा हूँ उस हिसाब से फिर केयर बहुत करनी पड़ेगी सर, बिल्कुल, अगर आपने मेंटेन करना है कोट तो आपको बाल केयर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने ग्रूम करना है कट दे सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ओके। और पीछे अभी थोड़ा शिरजू के बारे में, आइए सर शिरजू के बारे में बात करते हैं। सर ये 8 month ओल्ड फीमेल पपी है शिरजू, और जैसे कि हम लास्ट टाइम भी मिले थे, बात हुई थी हमारी, बिल्कुल, सो ये 8 month की है हमारी, ये भी पहला शो है इसका, सो अब इसको डॉग शो में लेके आए हैं। ये इसके जो मुस्टैश में बांधा हुआ है, ये सर इसलिए बांधा हुआ है कि अभी इसने रिंग क्लियर करना है अभी, तो ये पानी गीले होने के बाद ये गीले ना हो जाए तो तब तक बच के रहे। गाइज इन्होंने ना लास्ट टाइम एक टोटका दिया, आपको बताया था कि सिर्फ आंखों में बाल जाने के कारण ही नहीं ये डीप ब्रीड के आंखों की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारे कारण है, इन्होंने हमें वो चीज बताई थी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वन सर, थोड़ा इस ब्रीड के बारे में बताइए। बिल्कुल सर, सर ये आपको मैंने जैसे कि बताया चाइनीज ब्रीड है सर, ठीक है, और घर पे रखने के लिए टॉय ब्रीड है, बच्चों के साथ बड़ी अच्छी है, गार्ड भी है, लेकिन फैमिली के साथ बहुत जल्दी अपना घुल मिल जाता है, बड़ा ही अच्छा है और इजी टू कीप है वही। और लोग कहते हैं कि बाल शेड होते हैं, बिल्कुल बाल शेड नहीं होते, आप एक प्रॉपर अच्छी डाइट दीजिए, हेल्दी डाइट दीजिए, टाइम पे डीवॉर्मिंग कीजिए, जो डॉग फूड से रिलेटेड चीजें वही दीजिए, ह्यूमंस की बनी हुई चीजें, कई लोग पैम्पर के होने के चक्कर में टॉफीज और ये मत दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, कभी भी ये डॉग कभी बाल शेड नहीं करेगा। आपका फार्म का नाम या कैनल? मेरे कैनल का नाम है जी सोडी कैस्केड, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आपके पास स्टड सर्विस? स्टड सर्विस जी बिल्कुल, जी बिल्कुल स्टड सर्विस है मेरे पास, शिट्ज़ू की है, यॉर्कशायर टेरियर है, मैं अपना किंग चार्ल्स स्पैनियल भी ब्रीड करता हूँ, अभी नया मेरा पेयर आया है चाइना से, नेक्स्ट टाइम अगर मिलेगा तो पक्का दिखाएंगे आपको। कॉन्टेक्ट नंबर? सिंह मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9971619837 दिल्ली। गाइस यहाँ पर लगता है हमें बहुत बड़ी फैमिली है, तो ये और नए सब्सक्राइबर, क्या नाम है सर आपका? अपूर्व गुप्ता। अपूर्व गुप्ता सर कहाँ से? अपन जयपुर से सर। जयपुर से लोकल। कोई डॉग रखा हुआ है? हाँ लैब्राडोर है, कई बार आपके वीडियो वगैरह देखते हैं तो काफी यानी बढ़िया लगता है, हेल्प होती है। बिल्कुल, 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 तो बस यही मेरा प्राइज है कि आप मेरी वीडियो बनाने से आपको वो रख रखाव में टेक केयर में हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल। और आप, बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है आपका सर, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पीपल है यहाँ। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल तो आप हो जो हमारे शहर में पधारे हो। सर ये डॉग शो में मिस नहीं करना चाहता था, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट कई ईयरों से था कि भाई आप आ नहीं रहे थे शो वगैरह में, आपका प्रेजेंस ही नहीं हो पा रहा, कुछ कंपनी का काम था उस समय, अभी सब चीजें फ्लेक्स आउट हो रही हैं तो मेरे पास सभी समय होता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, लुक एट द ब्रीड। जो ना बार बार लोग कहते हैं हमें, पीछे आपको एक सम्योड की इंटरव्यू दिलाई, अभी आपको इस ब्रीड के बारे में इंटरव्यू दिलाते हैं, लोग कहते हैं सर्दी की ब्रीड है, रह नहीं सकता इंडिया में, तो देखो कितने पीपल्स फ्रेंडली फोटो खिंचा रहे हैं इसके साथ, और ये है उनके ऑनर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बंटी तंवर है। कहाँ से सर? जयपुर से। अच्छा लोकल यहाँ से। सर थोड़ा बताइए इस ब्रीड के बारे में। ये अलास्कन मैलमूट है। ओके। ये इट इज ओनली वन इन राजस्थान। ओके। मैंने इसको थाईलैंड से इम्पोर्ट किया था। कितना समय हो गया इसको इंडिया में? 2 साल। दो साल।
तो इसका मतलब है कि लगभग दो गर्मियां दो सर्दियां निकल गई। हाँ, पर थाईलैंड में पैदा हुआ था तो वहाँ अडेप्टेड है गर्मी से, पर एसी में रहता पूरे टाइम। ठीक है, बहुत सारे लोग है ना बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो आपने एक ऊपर वाली ब्रीड कह दी, एक अगर साइबेरियन हस्की के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे घर में साइबेरियन हस्की है, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आप ना क्रुएल्टी कर रहे हो इसको, यहाँ पर इसका टॉर्चर कर रहे हो, ये रखा, मैंने कहा मालूम है आधी इन्फॉर्मेशन बहुत खतरनाक होती है, तो हस्की के बारे में बातें पहले इसके बारे में बताइए, कितना आपको टफ लगा ये दो गर्मियां और जो दो साल हो गया आपके? बिल्कुल टफ नहीं, पर ये टाइम बहुत मांगता है, बच्चे की तरह पालना पड़ता है। बिल्कुल, वो ग्रूमिंग के बारे में आप कह रहे हैं, इसके लिए बाल कंघी वगैरह या आपका? इसकी दो कोम आती हैं, एक स्टील की एक दूसरी। हाँ, इसको जब ये नहाता है और सूखता है तो 4 घंटे लेता है। चलो ये तो काम हो रहा है। और इसके मदर फादर चैंपियन थे थाईलैंड। ओके, तो ऐसा ब्रीड पता इंडिया में भी होंगे पर इस साइज का नहीं होगा। ठीक है, इसका बॉडी वेट और साइज क्या बताया आप? इसका अभी 55 केजीज है पर ये 70 किलो हो जाएगा। 70 किलो हो जाएगा। एंड ये पासपोर्ट पे आया था, बहुत मुश्किल से मंगाया था इसे। इंडिया में थोड़ा इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट में दिक्कत है, तो गवर्नमेंट से निवेदन है कि भाई ये ठीक करो ताकि थोड़ा सा अगर कहीं चीजें थोड़ा ढील मिलती है तो। दिस कॉस्टेड अराउंड 7 लाख, यहाँ 7 लाख जी। तो ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है कुल मिलाकर? कुल मिला के 7 लाख। सर थोड़ा और बताइए कि अगर इसको स्लिपरी फ्लोर में कभी लगा कि आपको टफ है स्लिपरी फ्लोर में? डॉक्टर हमारे घर में अक्सर मार्बल टाइल्स होते हैं। सेम होता है, थोड़ा स्लिप होता है पर हम इसके लिए हमने बना रखा है अलग से पूरा फार्म है। और जो मेरे फ्रेंड्स स्लिपरी फ्लोर पर बड़ा डॉग रखते हैं 50 किलो का, तो उसके लिए एडवाइस यही होगी कैल्शियम सप्लीमेंट प्रॉपर दे उन्हें और कम से कम रखें, और डॉग फूड नहीं खिलाएं। हाँ जी, डॉग फूड अच्छा घर का खाना खिलाएं। अच्छा, डॉग फूड बिल्कुल नहीं और घर का खाना अगर कभी नहीं बनाना है तो खिला सकते हैं। हाँ। वरना अपना दलिया चावल वेजिटेबल्स। अच्छा, चिकन आप वो चीजें ज्यादा? मैं रॉ खिलाता हूँ, रॉ खिला। अच्छा, कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रॉ देना ठीक नहीं होता, डॉग के लिए दिक्कत है कभी अनडाइजेस्टिबिलिटी। कार्निवोरस है वो। ये भी ठीक है सर, ये भी ठीक है। थोड़ा और कोई आपके मन में जो लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड के टाइम बहुत सारे लोगों ने पेट्स ले लिए थे एज ए टॉयज और अब उसे पाल नहीं पा रहे, तो अगर डॉग लें तो उसे बच्चे की तरह पालें वरना नहीं लें। अगर कोई बहुत अच्छी फीमेल को इंपोर्टेड हो तो अगर वो मेटिंग कराना चाहे तो मेरे को। अपना एक बार नाम, लोकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर सर। मेरा नाम बंटी तंवर है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8890462126। गाइस अगर आपको फिर और भी कोई मन में क्वेश्चन है ना इस ब्रीड के रिलेटेड तो आप सर से कांटेक्ट कर पूछ सकते हो, स्टड सर्विस इनके पास अवेलेबल है। इनके अलावा और इसके अलावा और भी कोई ब्रीड है सर आपके पास? मेरे पास अमेरिकन पिटबुल है, रॉटवाइलर है, सेंट बर्नार्ड है, बीगल है, शिट्ज़ू है। आपका कोई कैनल है या नहीं? शौक है। गाइस ये देखिए, हम वैसे घूमते एक अच्छे डॉग लवर के पास। टाइगर और शेर पाल नहीं सकते ना इंडिया में, तो यही पाल लेते। अच्छा, नहीं तो आप वो भी कर सकते थे। गाइस देखिए, ये है दिलदार बंदा। गाइस बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर, बहुत दिलदार बंदे हैं ये। अगर 7 लाख रुपए का ये डॉग आपको दिखा रहे हैं तो उसके लिए ये दिस पर्सन इज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, यहाँ पर सब्सक्राइबर बहुत मिल रहे हैं। ये और दो है सर, क्या नाम है आपका? रवि वैष्णव। ओके, और आप सर? प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण शर्मा, आप कुछ कह रहे थे कि कुछ दिन पहले कुछ मीटिंग के रिलेटेड? हाँ, कुछ मीटिंग के रिलेटेड बात की थी आपके चैनल पे। तो हमारी टीम के साथ हुई होगी। हाँ। गाइस आपसे भी निवेदन है, इनको कुछ मीटिंग के क्वेश्चन थे। हमारी जो कस्टमर केयर टीम है 8282890888895, आप उन पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जवाब से संतुष्ट हुए सर? हाँ, संतुष्ट है। थैंक यू वेरी मच। गाइस लुक एट द क्वालिटी, बुल मास्टिफ, वाओ, बहुत कम है मुझे कुछ शो में मिले, तो एक ये मिला है। इनसे थोड़ी और बातें करते हैं। गाइस आपको चाहिए इस बार ब्रीड की इन्फॉर्मेशन तो मिलते हैं इनके ऑनर से। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। सर नाम बताइए पहले अपना। रवि सैनी। सैनी कहाँ से जी? सहारनपुर। सहारनपुर से आए। सर बताइए इस ब्रीड के बारे में थोड़ा सा। फैमिली मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इम्पोर्ट डॉग है, सर्बियन इम्पोर्ट है, होम ऑफ गार्जन कैनल से। अच्छा जी जी। ये ब्रीड जितना देखने में आपको लग रहा है कि ये जो लुक में आपको लगता है कि ये इतना खूंखार टाइप है, वैसे इसका बिहेव कैसा है? नहीं ऐसा नहीं है, खूंखार नहीं है, फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर जी। बच्चों के साथ? बिल्कुल कूल है। और सीनियर सिटीजन के साथ भी? सबके साथ है सर। ये ब्रीड का मैक्सिमम बॉडी वेट कितना जाता है सर?
इसका 100 केजी तक चला जाएगा। तो ऑब्वियसली छोटे घर में रखना तो ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। नहीं, छोटे घर में भी रह सकता है, छोटे घर में ही रह रहा मेरे पास। तो उसकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है सुबह शाम वो मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग। अच्छा, मॉर्निंग वॉक कंपलसरी है। सर एक बार दोबारा वो आपके कैनल का नाम क्या है अपने? वो शुभ कैनल। शुभ कैनल। आपके पास इसके अलावा और भी कोई ब्रीड है? बुल मैस्टिफ है, ऑल ब्रीड बुल मैस्टिफ। ऑल ब्रीड बुल मैस्टिफ। तो आपके पास पपी स्टड अवेलेबल होते हैं? फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। स्टड सर्विस तो अवेलेबल है? स्टड सर्विस अवेलेबल। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो भी बताइए, 9411298915। ओके गाइस, स्टड सर्विस है, पपी सर के साथ अभी अवेलेबल नहीं है। तो फ्यूचर में होप्स हो गया आपको चैंपियन या बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो प्लीज सर के साथ जरूर कॉन्टेक्ट। थैंक यू। एक और सब्सक्राइबर्स मिले, क्या नाम है सर आप? अरविंद पारिक। अरविंद पारिक। पारिक सर यहीं से हो? जी सर, जयपुर। हमारी वीडियोस कितनी आपको हेल्प कर रही है? मैं सर आपका वीडियो लास्ट 4 इयर्स से कंटिन्यू देख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। आपका शहर बहुत बढ़िया है और बहुत सुंदर शहर है और बहुत ही अच्छे लोग। थैंक यू सर इसके लिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम बंटी शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं शिजू पूडल मॉल्टीज ब्रीड करता हूँ। ये मेरी पूडल है, आज इसने विन किया है, सीसी और आरबीओ भी मिला है इसको। गाइस वो मैं दिखा सकता हूँ, ये है इसका। तो अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी दिन पूरा बचा है, तो शाम तक मेरे हिसाब से 5-7 ट्रॉफी तो लेकर जाओ भाई। सर आई होप आई विश कि हम मिलेगी ट्रॉफीज और अच्छी विनिंग करके जाएंगे। थोड़ा बताइए सर, पूडल को रखना, जैसे सर ने बता दिया बालों वाली ब्रीड, इसकी जो ग्रूमिंग वो टोटल अलग टाइप की होती है, इसको रखना या रख रखाव में कितना डिफिकल्ट है? सर इसको रखना शिजू से थोड़ा सा इजी टू कैरी है, इजी टू कीप है, क्योंकि इसकी ग्रूमिंग रेगुलर नहीं चाहिए। अच्छा, इसको 2-3 दिन में एक बार आप ब्रशिंग करेंगे और ये बहुत एक्टिव ब्रीड होती है, फैमिली में बहुत अटैच होती है और जल्दी से घुल मिल जाती है और स्पेशली बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहती है। जैसे सर ने बताया कि वो डॉग बहुत अच्छे वॉच डॉग है, इस ब्रीड का बिहेवियर के बारे में बताइए। सर ये ब्रीड बेसिकली प्ले प्ले डॉग है, मतलब बच्चों में, फैमिली में और लेडीज वगैरह सबके साथ खेलने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है, तो प्लेफुल ब्रीड है और इजी टू है, सबके साथ मिक्सअप हो जाती है। और ये किस किस कलर में आते हैं सर? इसमें सर ये एप्रिकोट कलर है, इसमें ब्लू कलर आता है, व्हाइट कलर आता है, ब्लैक कलर आता है, मल्टी कलर्स में आती है। सर एक बार फिर अपना लोकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर बताइए, प्लीज जरूर है। सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम बंटी शर्मा है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9899830109। गाइस इनके पास छोटी ब्रीड की बहुत इन्फॉर्मेशन है, मैं समय कम होने के कारण ज्यादा नहीं शूट कर पाया, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिला दिया है और प्लीज आप कीप इन टच सर के साथ, अगर आपको स्टड सर्विस पफ चाहिए तो आपको सब हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। थैंक यू जी।